मॉर्निंग स्वदेश आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ करते हैं, उसके बाद एक एक कर डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए सेंटिमेंट्स आज कैसे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए, कौन सी खबरें हैं जो फोकस में रहेंगी, ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है और बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत ग्लोबल सेटअप से, कमजोरी इस वक्त एशियाई बाजार से हावी होती हुई। एसडीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे 300 अंकों की गिरावट, करीब 1.5% टूट कर 17,792 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निकाई और कॉस्पी में भी लाल निशान के साथ हम करीब 2.5% की गिरावट इस वक्त देख रहे हैं। बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में भी काफी हद तक लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला और ऑफकोर्स न्यूज बेस इंपैक्ट था, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन रहा जिसका एक असर यहां पर नजर आया। अनुमान से ज्यादा महंगाई बढ़ने से अमेरिकी बाजारों में हमने एक गिरावट देखी। आपको बता दें जून 2020 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि डाउ में इंट्राडे इतनी बड़ी गिरावट, करीब 1300 अंकों की बिकवाली हमने देखी डाउ जोन्स में, 632 अंकों की गिरावट हमने देखी नैसडैक में और साथ ही S&P में भी करीब 200 अंकों की बिकवाली के साथ ही कामकाज नजर आया। तो क्लियरली यहां पर ग्लोबल सेटअप इस वक्त जो है शुरुआती सेशन में एशियाई बाजार भी कमजोरी दिखा रहे हैं और साथ ही अमेरिकन मार्केट्स हैं जो कि बीती रात टूटे थे। लेकिन चलिए विस्तार से इसके पीछे के सारे संकेत समझते हैं, महंगाई से जुड़े क्या कुछ टेकअवेज आते हुए दिखे, साथ ही कमोडिटीज पर कैसा असर रहा ये भी जानते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेटअप इस वक्त तो बिकवाली का दबाव लाल निशान में नजर आ रहा है। बिल्कुल, बेहद ही कमजोरी देखने को मिली, भारी गिरावट थी कल अमेरिकी बाजारों में। जून 2020 के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धराशायी हो गए। डाउ जोन्स में 1300 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, S&P 500 और नैसडेक में भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 4-5% की गिरावट देखने को मिली है। और कल एक इवेंट भी हुआ, दरअसल अगस्त CPI का जो आंकड़ा था उसके आने के बाद हमने देखा कि ये गिरावट देखने को मिली है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 0.1% की गिरावट आएगी अगस्त के CPI के आंकड़ों में, लेकिन उसके उलट ही हुआ और यहाँ पर 0.1% बढ़कर ये आंकड़े आए हैं। अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो पिछले महीने ये आंकड़ा 8.5% था, इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ से थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये आंकड़ा बढ़कर ही आया, 8.6% के पास अगस्त CPI के जो आंकड़े थे वो निकल कर आए हैं। तो इससे मार्केट में जो नर्वसनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और अब तो ये भी बात की जा रही है कि फेड की जो अगली बैठक होने वाली है उसमें 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त भी देखने को मिल सकती है, अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस पूरे माहौल से इस वक्त बाजार भी डरे हुए हैं और इसी वजह से हमने देखा कि जैसे ही आंकड़े आए उसके बाद एक भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है और इसका असर बाकी सारे सेगमेंट में भी पड़ा। यूरोप के बाजार अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी वीकनेस काफ़ी थी, करीब 1-1.5% की गिरावट देखने को मिली। अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स जो थे US के 10 साल के वो ने 2007 के ऊपरी स्तर पर पहुँच चुके हैं, 3.4% का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। यहाँ पर जो ब्याज दरों में तेजी से बढ़त की बात की जा रही है उसके चलते इसी का असर हमने देखा कि सोने में भी देखने को मिला, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़त आई, डॉलर में मजबूती आई, अब 109 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके चलते सोने में हमने देखा कि भारी गिरावट थी और 1710 के लेवल्स फिर से देखने को मिले हैं। इसके अलावा ब्रेंट में भी, कच्चे तेल में भी एक सेंटिमेंट लिहाज से इम्पैक्ट पड़ा, 94 के आसपास था लेकिन वहाँ पर भी हल्की नरमी हमने देखी, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा, मांग में कमी आएगी तो सेंटिमेंट के लिहाज से ये कच्चे तेल के लिए भी यहाँ पर हमने वीकनेस देखी और इस वक्त 93 के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजारों के लिए तो ये भी माना जा रहा है कि जून के जो लोस थे कोविड के समय, शायद कुछ स्टॉक्स जो हैं वो उसे भी टच करते हुए नज़र आए। अब देखना होगा कि यहाँ से रिकवरी किस तरीके से होती है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और अब अगले जो नज़र रहेगी वो फेड की बैठक के पर रहेगी कि फेड अब इसके बाद क्या फैसला लेते हैं। और उसके पहले हम देख सकते हैं कि थोड़ा नर्वसनेस का माहौल बाजारों में बना रहेगा और इसका असर आज हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत में भी देखने को मिला और भारतीय बाजारों की भी शुरुआत आज कमजोर हो सकती है।
तो चलिए, यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत तो इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। शुक्रिया पूजा ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हमें बताने के लिए। और ऑफ कोर्स कल भारतीय बाजार ने जरूर अच्छी तेजी दिखाई थी और परफॉर्मेंस हमने देखी थी, लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट आज भारतीय बाजार पर नजर आ सकता है, तो इस पर हमें नजर रखनी होगी। और कमोडिटीज में भी अगर आप देखेंगे और करेंसी बॉन्ड डील्स की अगर बात करें, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा 109 डॉलर के आसपास के लेवल्स नजर आए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील जो है उसमें एक लोअरिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, 3.3% पर ये यहाँ पर इंटैक्ट देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर गिरावट जो है वो हावी होती हुई जरूर नजर आई है, और साथ ही ऑयल प्राइसेस में भी मार्जिनली हमने एक स्लो डाउन यहाँ पर जरूर देखा है, जिस पर खास आपको नजर रखनी होगी। तो चलिए, यहाँ पर कमोडिटीज और साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स को आपने जाना, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं FIs DIs के एक्शन का। FIs और DIs की अगर बात करें, FIs की खरीदारी जो है ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव बूस्ट है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, और लगातार हम देख रहे हैं कैश मार्केट में 6th सेशन है जबकि FIs की तरफ से खरीदारी वापस लौट चुकी है। 1,957 करोड़ की खरीदारी FIs ने कैश मार्केट में की है और सितंबर में करीब 11,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं। तो क्लियरली FIs सितंबर की शुरुआत में बिकवाली के आंकड़े जरूर दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो खरीदारी वापस लौटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। DIs ने कैश मार्केट में 1,268 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,936 करोड़ की खरीदारी है FIs की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में 2,234 करोड़ की बिकवाली यहां पर FIs की तरफ से आते हुए दिखी है। तो कैश मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs की खरीदारी, वहीं DIs ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। लेकिन आगे